वसीयत को हल्के में लेना आप पर भारी पड़ सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ये मसला कहां से उठा लाए। तो इसकी एक वजह है, बल्कि एक दिलचस्प कहानी है जो आपको वसीयत या विल की अहमियत को समझाती है। ये सच्ची कहानी सुनने के बाद आप शायद वसीयत बनाने पर संजीदा हो सकते हैं। तो साहब, अपने मुकेश अंबानी को तो आप जानते ही होंगे, उनका भारी भरकम कारोबार है, वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में भी गिने जाते हैं। लेकिन अंबानी साहब भी हमारी आपकी तरह संपत्तियों को अपनी संतानों में कैसे बांटा जाए इसे लेकर बेचैन हैं। अब इसे लेकर खबर आई है कि वे उत्तराधिकार की व्यवस्था के लिए दुनिया के तमाम मॉडल्स पर गौर कर रहे हैं। चलिए, खबर तो आपको पता चल गई, अब हम कहानी सुनाते हैं, और वो भी अंबानी परिवार के सक्सेशन की। तो मुकेश अंबानी अपने परिवार में उत्तराधिकार या संपत्तियों के बंटवारे में अपने पापा यानी धीरू भाई अंबानी की गलती को नहीं दोहराना चाहते। अब आप सोचेंगे कि धीरू भाई ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो मुकेश भाई उनके रास्ते पर नहीं चलना चाहते। दरअसल हुआ ये था कि धीरू भाई अंबानी की मौत 2002 में अचानक हो गई थी। उनका अरबों डॉलर का रिलायंस का कारोबार था, लेकिन वे बिना कोई उत्तराधिकार योजना बनाए या वसीयत बनाए दुनिया को अलविदा कह गए थे। बस यहीं से पूरा अंबानी परिवार यानी बड़े भाई मुकेश अंबानी और छोटे भाई अनिल अंबानी एक ऐसे झगड़े में उलझ गए जिसे सुलझाने में देश के बड़े बड़े दिग्गजों और साधु संतों को लगना पड़ गया। इसके बाद भी इस झगड़े को सुलटाने में करीब 3 साल लग गए। 2005 में जाकर ही मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिलाबेन घर में सुख चैन की बहाली कर पाईं। आपको पता है इस शांति की कीमत क्या थी? उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे बड़े कारोबारी बंटवारे का सामना करना पड़ा, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों भाइयों के बीच बट गई। अलग अलग धंधे दोनों भाइयों ने बांट लिए। अब वर्तमान में वापस लौटते हैं। मुकेश भाई समझदार हैं और ये कहानी वो अपने परिवार में नहीं दोहराना चाहते। इसी वजह से वो एक उत्तराधिकार योजना या सक्सेशन प्लानिंग को वक्त रहते लागू कर देना चाहते हैं, ताकि उनके बाद परिवार को विवादों का सामना न करना पड़े। यहीं पर तो हम सबके लिए भी एक सबक छुपा हुआ है। सीख ये है कि हर किसी को वक्त रहते अपनी वसीयत तैयार कर लेनी चाहिए। अक्सर होता यह है कि लोग वसीयत को इग्नोर कर देते हैं। वजह यह है कि इसमें आपको असहज करने वाले सवालों से जूझना पड़ता है, लेकिन आप अपने रहते इन सवालों के जवाब ढूंढ लें। आपके न रहने पर परिवार के सामने आने वाली उलझनों के हालातों से ये ज्यादा बेहतर होगा। वक्त रहते एक उत्तराधिकार योजना बना लेने से आप और आपका परिवार दोनों चैन में रह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि वसीयत बनाई कैसे जाती है। कोई नहीं, हम है ना आपकी मुश्किल दूर करने के लिए। अब समझ लीजिए पूरी बात। बालिग हो चुका कोई भी शख्स वसीयत बना सकता है। अब आप चाहें तो इसे स्टैंप पेपर पर लिख लें या किसी सादा कागज पर, आपकी वसीयत पक्की हो जाती है। हाँ, अगर आप अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो बात और पुख्ता हो जाती है। हालांकि इसके लिए आपको कुछ रकम जरूर चुकानी पड़ती है। आपको इस पर अपने दस्तखत करने होते हैं और कम से कम 2 लोगों से इसकी तस्दीक करानी होती है कि ये वसीयत आपने अपने पूरे होशो हवास में लिखी है। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं, इसमें एक रेडिस्यू क्लॉज रखें तो और बढ़िया है, क्योंकि इसमें वो संपत्तियां भी शामिल हो जाती हैं जिन्हें साफ तौर पर वसीयत में शुमार नहीं किया गया होता है। तो क्या है मनी 9 की सलाह? जितना जल्दी हो सके अपनी वसीयत बना लीजिए। इसके लिए शादी या बच्चे या उम्र दराज होने का इंतजार मत कीजिए। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।